इन सत्यार देख लिया, देख लिया मंजू की ताकत। मंजू अपने परवाज आए तो कानून खुद पे टैग देता है। किसान से मर्दानगी अगर देखना चाहता है, एक बार ममता और गेला को रिहा करके यहाँ से, इसके बाद मैं दिखाता हूँ छोड़ दो क्या होता है और मुलजिम क्या होता है। छोड़ दोगा इंस्पेक्टर, छोड़ दोगा इंस्पेक्टर। पांच अपने घर पत्नी ममता और बेला से हमारे कबीले में क्या कुछ नहीं उनको मिला। मान सम्मान इज्जत की जिंदगी सिर्फ मेरी लड़ाई कानून से है। इंस्पेक्टर एक बार सिर्फ तू इन पहाड़ों पे दिलदार ये कह दे कि सरदार किशन सिंह हमें माफ कर दो, कानून छोटा है और मुलजिम बड़ा है। तेरी पत्नी को और तुझे यहाँ से छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। तो हमें मजबूर करके ही जानना चाहते हो कानून छोटा और मुलजिम बड़ा है। बोल दे सरकार, बोल दे। बोल जाओ सुखबीर सिंह, कानून हमेशा बड़ा है और बड़ा रहेगा। ओ, तो सरकार जी तेरी किस बात की, आप नंबर बोले और इसकी फरक। अच्छा इंस्पेक्टर करण सिंह घास रस्सी चल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो ठीक है। आज एक मुलजिम के हाथों तेरे परिवार का सफाया होगा। तो ठीक है किशन सिंह, अगर तुम मारना ही चाहते हो हमारे परिवार के साथ साथ हमें भी मौत के घाट उतार दो। लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि कानून छोटा है मुलजिम बड़ा। हरिश्चंद की औलाद, तेरी बहादुरी और तेरी आदर्शवादी का दाम देना होगा। शाबाश इंस्पेक्टर करण सिंह घोष, अपने चित और अपने कानून के दम पर तू अपने परिवार की बर्बादी चाहता, तो ठीक है। सफेद लाल निशाना, नंबर एक, नंबर दो। बोलने की कोशिश किया ना, जाओ भाई तुम्हारे नेता खोपड़िया कसबों में जाएगी। किशन सिंह और सुखबीर सिंह, किशन सिंह क्या सोच रहे हैं? बहुत गजब हो गया। इंस्पेक्टर घोष इतना बुजदिल है जो तुम्हारे सामने घुटने देखना चाहता है। किशन सिंह ये हमारी चाल है, चालों की शतरंज की चाल है, हम बहुत मस्त हो गए हैं। आज ही मैं क्या देख रहा हूँ, सहारनपुर शहर में जिस नेता की 25 साल से बोलबाला थी, आज वही नेता कानून के शिकंजे में फंस गया। चंदुआ भगाओ दोनों के हाथ में हाथ करो। इंस्पेक्टर घोष, हम आज तक यही सोच रहे थे कि हमारे देश के कानून में कोई ताकत नहीं, लेकिन आज हमें समझ गए हम कि आप जैसा आदर्शवादी इंस्पेक्टर अगर हमारे भारत देश में रहेगा तो मंजिल चाहे कितना भी खतरनाक और सयाना क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून का शिकंजा उसके गिरेबान तक जरूर पहुंच जाएगा। साहब समझ गया कि सबसे कानून क्या चीज होता है? सरकार मैं समझ गया कि कानून क्या चीज होता है, लेकिन सरकार हमें भी आपसे कुछ कहना है।
बोलो विनती है सरकार, क्या कहना चाहते हो? जो भी सफाई देना है वो हमें सच सच बताओ सरकार। हम अपने जिंदगी की सफाई नहीं देना चाहते, क्योंकि गुनाहों का बहुत धोते धोते सदाओं की खोते इतना थक गया है कि अब गुनाहों का बोझ उससे नहीं ढोया जाता। लेकिन सरकार मैं क्या हूँ, क्या था, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। बताइए क्या बताना चाहते हैं साहब। मैं एक गरीब किसान का बेटा, हमारे पिताजी धरती का सेना चीर कर अनाज पैदा करने की शक्ति रखते थे, लेकिन सरकार बाढ़ और सूखे की वजह से हमारे खेत में फसल ना पैदा हो सकी। मेरी बहन की शादी, सरकार हम इतना लाचार हो गए कि हम अपने गांव के सेठ के हाथ से हमारे पिताजी कुछ कर्ज लेकर आए। हमें बड़ी धूमधाम से अपनी बहन की शादी की, विदाई की, लेकिन सरकार उसी के कुछ दिन के बाद सेठ हमारे घर आए पैसे की वसूली करने के लिए। लेकिन सरकार हम इतने गरीब थे कि पैसा ना दे सके। इतने में सरकार सेठ हमें गाली दिया, हमारे पिताजी को अपने लठेलों के द्वारा मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं सरकार, हमारे पिताजी को इतना मारा इतना कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मैं क्या करता, मैं गरीब क्या करता सरकार। मैंने कानून से शरण लिया, दौड़ा दौड़ा आज जिस पुलिस चौकी में आप तैनात है उसी पुलिस चौकी में अपने पिताजी की लाश को लेकर आया और कहा कि सरकार मेरे पिताजी का खून हो गया। साहब ने पूछा कब हुआ खून, किसने किया खून। फोन होते हुए देखा अनाप शनाप की बात रखने लगे सरकार, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं लाचार और बस अपने पिताजी की लाश को लेकर रोता हुआ कोतवाली से अपने घर आया। और मैं उसी दिन से सोच लिया सरकार कि जिसके हाथ में लठ उसी के हाथ में कानून। सरकार मैं डाकू किशन सिंह पहले छोटे छोटे गुनाह किया करता था, इसके बदले में हमारे नेता बलवीर सिंह हमें जेल से छुड़ा लिया करते थे। छोटे छोटे गुनाह करते करते सरकार बाल डाकू किशन सिंह गुनाह की दुनिया के बेताब बादशाह बन गया। इतना बड़ा बादशाह कि साहब उस दुनिया से लौटना मेरा मुश्किल नहीं नामुमकिन था। सरकार मुझे फांसी हो या उम्र कैद, हमें इस बात का कोई डर नहीं, कम है तो सिर्फ एक बात का, अगर हमारे देश से गुनाह कम करना है, मंदिर का खात्मा करना है, तो सरकार अगर गुनाह कम करना है, मुजरिमों का सफाया करना है, तो सबसे पहले हमारे देश के नेता पर देश नेता का खात्मा करना होगा सरकार, इसी के बाद हमारे देश का कल्याण होगा। ठीक है किसम से छंडुआ ले जाओ, इन दोनों को जेल में डाल दो, इनका फैसला अदालत से होगा। नमस्कार नमस्कार। एक कमरे में बंद करें कि दो कमरे में? साले अलग अलग कमरे में बंद कर। अगर एक कमरे बंद करे तो माला पर रात बिरात अपन बुबुआएं तब जाओ नेता जी। यानी पूरी हकीकत किशन सिंह ने पूरा का पूरा हमारे ही सर पर रख गया।
बाबा की सरकार बनते हुए देखा तुमने? ओके पर मतलब योगी सरकार बनते हुए देखा था तुमने? मैंने क्या कहा था उन्होंने? मैंने सरकार खुद चलाई। बदमाश सुधर जाओ वरना ये देश छोड़कर चले जाओ। चुनाव में खड़े होते हो, गरीबों के घर जाते हो, काम करते हो, हाथ जोड़ते हो, भाई साहब हमें एक वोट चाहिए, और साले जब चुनाव जीत जाते हो तो इन्हीं गरीबों की बहन बेटियों के छंडवा किसकी नेता इसके गांव में डाल आवाज प्रभु। मैंने पक्का घर बनवा दिया। अरे हाँ मामा मारी चूची में नाम। अरे तुम्हारा बीपीएल सूची में नाम करवा दिया तो हम आपका नमक खाया। हम सफेद सफेद नमक हराम नहीं करेंगे, सिर्फ वही जो काला नमक खिला दिया वही बुरा कर दिया। हाँ काला नमक तो खिला दिया मुझे अरे यार, काला नमक खिलाया इधर से खिलाया इधर भर भर। हम सही है यार, हम सही है, दूर चलो दूर चलो। हाँ अरे हम नमक खाएंगे। आइए 90 नंबर वाला हंटर इससे लगेगा नहीं। सही सही। अच्छा ये बताओ जब कल्ले कल्ले मारा तो जोर जोर चिल्लाया और है। अरे तू तो पीटेगा उनको भी पिटाएगा। पचास हंटर की बात है, पचास हंटर आइए फहरवाता हूँ का चौबीस भाई चौबीस बत्ती हमका बहुत मारे का बात। बत्ती 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 अरे गिनती जब अपने गिर जा तो हम का बत्ती बत्ती बयाली बयाली चहत का भाव चहता बयाली बयाली वंचा
वंचा वंचा वंचा पचा पचा अब छोड़ दोगे अब छोड़ दोगे अरे हाँ सोचा था ही इतना छोड़ दे अरे मुंह में छोड़े ताकि पागु को कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब आप तो माफ कर दो समझ में आया साले समझ में आ गया आप चुनाव में फिर होगा और आप भी नहीं अब तुम्हारा चुनाव करने जा रहे हैं चंडुआ नंबर बोलो इसको साले को चांस खत्म कर दो नंबर एक ओ भैया हम मर जाए हम मर जाए तो जो करवा जो पैदा होते हैं बंद हो जाए नाच चल ना पाई अब फरनाए तो गांव गांव तमाम पैदा हो गए नंबर बोलो नंबर एक का चेहरा देखना पाप है नंबर देगा दुई जी सर ले जाओ साले की इसकी लाश को किसी गटर में डाल सर हम ना नहा सके जाता हूँ हम बहुत कमजोर हो गए तो यार बताओ लाश जाए कैसे कैसे लेके जाए जानते हो हाँ एक आइडिया है कौन सा आइडिया मंत्र द्वारा इनको हम ले जाए मंत्र द्वारा जी ठीक मंत्र का उपयोग करो मैं भी आज देखना चाहता हूँ तुम्हारे मंत्र से कैसे लाज जाती जी ओम भूर्भुवस्सह नमः ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अंतर मंत्र कुदैक जंतर कुकुरा पादे छू मंत्र या मेरी माया कहीं धूम न कहीं छाया उड़के बैठी नीम की डाली या काली कलकत्ते वाली ओ अरे भैया कहाँ है मन करो आप फूंक कर ओ भूत भूत है ना माय मामा जोन संजक पनीर चबके रहे कुल खत्म जो हो जाए ओम भूल भूष्य है नम है मुर्दा निहू जैसा जैसा कलमी आम फाकी अलग अलग ही रखना ओम भूल भूष्य है नम है ये बताओ केला वाकई तुमसे प्यार करते हैं जी मतलब हम सच्चे प्रेमी लग रहे हैं हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं सर आज इसी जगह पे हम दोनों भगवान को साक्षी मारकर तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं हेलो शंकर भगवान की हम सचमुच बहुत परेशान है क्यों क्या परेशान हम हूँ केहू से मोहब्बत करी थे कोई लड़की पसंद की हाँ साहब पटाए है ये ठीक है जाओ लेकर आओ तुम्हारी भी शादी करवा देते हैं
ये तो राम सदल की बहन को कहाँ पकड़ लिया? शायद ये हमारे मालवा होता है। ठीक है ठीक है तुम्हारी विषय। हाँ प्रेम से बोले खावड़ी खावड़ा की, प्रेम से बोले नर्रे नर्रा की। साहब अब हम समझ रहे क्या थे गोबरे में, गोबरे हमने लोग रवाज रसूम से फुहा।